अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों दोस्तों और तमाम नौजवानों, मैं आज मेरी इस वीडियो में नौजवानों से अपील करना चाहती हूँ, खुसूसन तेलंगाना स्टेट की बहैसियत टीपीसीसी वाइस चेयरमैन टू द माइनॉरिटीज। मुझे आज ये महसूस हुआ है कि बहुत ही संजीदा मसला है, बहुत ही सीरियस मसला है, जहां पर हुकूमत तेलंगाना ने नौजवानों से किस कदर उनके मसाइल को लेकर वो संजीदा है। बात दरअसल ये है कि जहां पर 2014 में केसीआर साहब ने इलेक्शन एजेंडे में ये बात खुलकर नौजवानों से अपील की थी कि अगर उनको जिताया जाता है या उनको इख्तदार या सत्ता में लाया जाता है, अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वो नौजवानों को 1,20,000 नौकरियां देंगे। आज पूरे 4 साल गुजर चुके हैं केसीआर को हुकूमत करते हुए, या केसीआर साहब की जो टीआरएस गवर्नमेंट है पूरे 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ और धोखा नौजवानों को गुमराह कर, उनके वोट का बेजा इस्तेमाल कर उन्होंने सत्ता में आने की कोशिश की है, और सत्ता में रहकर भी इनके नौजवानों को मसाइल को लेकर वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। क्योंकि इसके दो वजूहत है यहाँ पर। पहली बात, जहां पर 1,25,000 रोजगार की उन्होंने बात की थी, 4 सालों में उन्होंने सिर्फ 7,000 रोजगार पैदा किए, सिर्फ 7,000 नौजवानों को रोजगार मिला है, जहां पर 1,20,000 रोजगार की उन्होंने बात की थी। और दूसरी बात कि तमाम अजलाओं में, तमाम डिपार्टमेंट्स में 80,000 ऐसे वैकेंसीज है जहां पर नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है हर डिपार्टमेंट में, लेकिन केसीआर साहब बिल्कुल संजीदा नहीं है। तो मेरा इस वीडियो उस नौजवानों तक पहुंचना चाहिए जहां पर केसीआर साहब या टीआरएस गवर्नमेंट किस तरीके से नौजवानों के जिंदगियों से या उनके जो प्रोफेशन से, उनकी जो मेहनतें हैं, जो गरीब लोग पढ़ लिख कर आज रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, ये उनके लिए मेरी अपील है कि आने वाले 2019 के इलेक्शन में फैसला आपके हाथ है कि किस तरीके से इस सरकार को आपको जवाब देना है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस बहुत ही संजीदा है, क्योंकि कांग्रेस ने रियासत तेलंगाना को सोनिया गांधी ने दिया था ताकि यहाँ के नौजवानों को किसी किस्म की भी परेशानी रोजगार के मसाइल को लेकर ना हो, और यहाँ पर केसीआर साहब की जो हुकूमत है वो फेल हो चुकी है। इसीलिए मैं अपील करना चाहती हूँ नौजवानों से कि आप अपना मुस्तकबिल संवारना है या संवार सकते हैं कांग्रेस के हाथ मजबूत कर, क्योंकि हमारे कैप्टन साहब उत्तम कुमार रेड्डी जी का भी वादा है कि जब हम इख्तदार में आएंगे नौजवानों को रोजगार के साथ 3,000 अलाउंस भी वो देने का ऐलान कर चुके हैं। लिहाजा अपना कीमती वोट मिस यूज ना होने दे। बहैसियत सिटीजन ऑफ तेलंगाना, ये पूरा आपका राइट है कि यू कैन चूज द राइट पार्टी विच कैन गिव ए ब्राइट फ्यूचर टू यू। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।